आखिर कैसे बन गई टाटा कराटे की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी, और क्या वाकई स्टारबक्स को टाटा ने खरीद लिया है? पर कैसे किया टाटा कंपनी ने 10 बड़ी कंपनियों की मदद, और क्या वाकई टाटा स्टील एक यूरोप की कंपनी है? जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा। टाटा नाम सुनते ही उम्मीद दिखती है, भारत समेत विश्व के कई कंपनियां अपने डूबते करियर को सहारा मानती है। टाटा को यूं ही नहीं, टाटा को महान कहा जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे टाटा ने भारत समेत विश्व के कई कंपनियों के अस्तित्व डूबने से बचा लिए, और आज टाटा कितना बड़ा नाम बन चुका है। नंबर 10, टाटा स्टील यूरोप। दोस्तों आपने टाटा स्टील का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन ये बात सुनकर आपको हैरानी होगी कि टाटा स्टील की कंपनी को भारत से कुछ लेना देना ही नहीं है। दरअसल टाटा स्टील 1999 में कोरस ग्रुप के कंपनी के नाम से स्टार्ट की गई थी, जिसे कोनिन क्लिजके और ब्रिटिश स्टील ने मिलकर खोला था। पूरी बताया तो स्टील निर्माता कंपनी के तौर पर, जिसका आज भी मुख्यालय यूके में ही है, और इसका परिचय आज भी नीदरलैंड, यूके और लंदन में है। दरअसल जो 2007 और 8 में वैदिक वित्त संकट आया था, तब कोरस ग्रुप के मालिकों द्वारा रतन टाटा के पास एक प्रस्ताव आया कि वो स्टील यूरोपियन को बर्बाद होने से बचा लें, और हमेशा की तरह रतन टाटा ने अपना उदार भाव दिखाते हुए 2007 में कंपनी को खरीद लिया, और 2010 तक कंपनी का नाम नहीं बदला। लेकिन 2010 आते आते रतन टाटा ने उस कंपनी का नाम बदलकर टाटा स्टील यूरोप रख दिया। नंबर 9, VSNL कनाडा। VSNL कनाडा एक टेलीकॉम ऑपरेटिंग कंपनी थी, मगर कंपनी को 1987 में निजीकरण कर दिया गया। लेकिन कैनेडियन सरकार ने भारत के दिग्गज बिजनेसमैन रतन टाटा से निवेदन किया कि वो इस कंपनी को डूबने से बचा लें, और टाटा कंपनी द्वारा 2005 में इसे पूरी तरह से खरीद लिया गया, और अब VSNL कनाडा टाटा की कंपनी है। नंबर 8, टाटा देवू। टाटा देवू साउथ कोरिया की दूसरी सबसे बड़ी भारी वाहन निर्माता यानी ट्रक और बस निर्माता है, जिसे 2002 में देवू कमर्शियल व्हीकल द्वारा देवू नाम से मार्केट में उतारा गया था, पर इकोनॉमिक समस्या की वजह से ये ग्लोबली अपना प्रदर्शन नहीं दिखा पा रहा था। देवू मोटर्स ने टाटा को प्रस्ताव दिया, और इसके मालिकों द्वारा वैश्विक स्तर पर उतारने की बात की गई। तब टाटा ने बताओ और पूर्ण सहायक कंपनी के तौर पर देवू मोटर से 2004 में हाथ मिला लिया, और आज 18 वर्षों से देवू और टाटा मिलकर पूरे विश्व को ट्रक निर्यात करते हैं, जिसमें पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया से सबसे ज्यादा निर्यात होता है, और इसका मुख्यालय साउथ कोरिया में मौजूद है। नंबर 7, स्टारबक्स। दोस्तों आप सभी ने तो स्टारबक्स का नाम तो सुना ही होगा, और काफी लोगों ने तो वहाँ पर बैठकर कॉफी भी पी होगी, पर जानकर आपको हैरानी होगी कि स्टारबक्स कॉरपोरेशन ने भारत में पैर जमाने के लिए टाटा के साथ 50-50% में पार्टनरशिप की है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में स्टारबक्स 50% टाटा की है और 50% स्टारबक्स कॉरपोरेशन की। दरअसल स्टारबक्स ने 2007 में इंडिया में प्रवेश करने की कोशिश की थी, मगर पूरी तरह से असफल हो गए। हालांकि स्टारबक्स ने आज तक नहीं बताया कि वो असफल क्यों हुए थे, लेकिन फिर 2012 में टाटा ग्लोबल के साथ मिलकर बराबर की साझेदारी से इंडिया में फिर से कदम रखा, और आज पूरे इंडिया में स्टारबक्स के 176 स्टोर हैं। नंबर 6, एयर एशिया इंडिया। दोस्तों एयर एशिया का नाम आप तो जानते ही हैं, जो कि भारत की आज चौथी सबसे बड़ी एयरलाइन है। दरअसल फरवरी 2013 में एयर एशिया लिमिटेड मलेशिया कंपनी ने भारत में FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू भारत में एयरलाइन चलाने की मंजूरी ले ली। भारत सरकार और FIP के अंतर्गत FDI की मदद से 49% से मंजूरी मिल गई, लेकिन बचे क्या 51% के लिए कोई भारतीय दिग्गज बिजनेसमैन को ढूंढा जा रहा था। तभी एशिया मलेशिया कंपनी ने टाटा ग्रुप से उनका समर्थन मांगा भारत की तरफ से निवेश करने के लिए। उसके बाद मार्च 2013 में रतन टाटा मान गए, और 12 जून 2014 को बैंगलोर से पहली उड़ान भरी। लेकिन 2015 आते ही टाटा ने एशिया लिमिटेड मेडिसिन कंपनी के 85% हिस्से को खरीद लिया। इसके अलावा विस्तारा एयरलाइन में टाटा ने संयुक्त उद्यम के साथ ही निवेश किया था। नंबर 5, इन्फिनिटी क्रोमा। क्रोमा आज भारत में सबसे भरोसेमंद स्टोर माना जाता है। बेशक उसके प्रोडक्ट बाकी स्टोर से कुछ महंगे होते हैं, लेकिन भारत में क्रोमा के सामान की शिकायत ना के बराबर बताई जाती है। दरअसल इन्फिनिटी रिटेल ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक व्यापार करने के लिए 200 करोड़ का निवेश किया, जिसमें उसका समर्थन वूलवर्थ्स कंपनी ने किया था। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है, उसने टाटा की साझेदारी की और क्रोमा स्टोर की शुरुआत की, और आज भारत के 32 शहरों में 170 स्टोर के साथ 38 करोड़ की मार्केट है, जिससे उसकी मूल कंपनी आज टाटा है। नंबर 4, टेटली टी। आज भारत की सबसे लोकप्रिय चाय में मानी जाने वाली एक कंपनी टेटली लंदन इंग्लैंड की कंपनी है। आज टेटली का भारत में कितना रुपया बन रहा है आप सभी जानते ही होंगे। दरअसल टेटली की शुरुआत 1837 में इंग्लैंड में हुई थी, जो आज यूके और कनाडा में सबसे ज्यादा बिकने वाली चाय है, और यूनाइटेड स्टेट की दूसरी सबसे बड़ी, जिसे वर्ष 2000 में 271 मिलियन यूरो में टाटा कंपनी द्वारा पूरी तरीके से खरीद लिया गया है, और खरीदने के तुरंत बाद इसे टाटा टी के साथ जोड़ दिया गया है, और आज पूरे विश्व में फेमस टेटली चाय की पत्तियां भारत और श्रीलंका में पैदा की जाती हैं। इस कंपनी को खरीदने के बाद लगभग 3 लाख चाय उत्पादकों की जिंदगी बदल के रख दी है टाटा ने, जिसके लिए वीडियो को एक लाइक तो बनता है। नंबर 3, वोल्टास। वोल्टास आज भारत के अधिकतर घरों में किसी न किसी रूप में देखने को मिलेगी, जो कि आज घरेलू उपकरण और एयर कंडीशनर के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जिसे नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन का पुरस्कार तक मिल गया, क्योंकि वोल्टास ने बुर्ज खलीफा, प्लेस ऑफ सल्तनत ऑफ उस्मान, फेरारी वर्ल्ड, थीम पार्क ऑफ अबू धाबी और दुबई मॉल अमीरात सहित विश्व भर में अपने उपकरणों का आज लोहा मनवा दिया है। दरअसल 1950 में वॉलकॉट
भाइयों द्वारा इसे निजी बाजार में उतारा गया था, पर वॉलकॉट भाइयों ने इसे वैश्विक स्तर पर उतारने के लिए जेआरडी टाटा को निवेदन किया और जेआरडी टाटा के साथ पूर्ण साझेदारी करके 6 सितंबर 1954 को वोल्टास को वैश्विक स्तर पर उतार दिया और टाटा ने उनके सम्मान में आज तक किस कंपनी का नाम वोल्टास ही रखा है। नंबर 2, मार्को पोलो। मार्को पोलो के बस पर हम सभी कभी न कभी तो बैठे ही होंगे और ये भी जानते हैं कि ये टाटा के नाम से जाना जाता है, पर क्या आप जानते हैं कि मार्को पोलो ब्राजील की एक ऑटोमेटिक मोटर्स कंपनी है जिसकी शुरुआत 1949 में हुई थी और अपने व्यापार को बड़ा करने के लिए मार्को पोलो ने भारत में कदम रखने की कोशिश की थी, पर वो हर बार असफल हो जाते थे क्योंकि भारत में निवेश करने के लिए मार्को पोलो को कोई भरोसेमंद 51% इन्वेस्ट करने वाली कंपनी चाहिए थी। आखिरकार मार्को पोलो ने टाटा कंपनी को साथ में व्यापार करने का प्रस्ताव भेजा और सन 2008 में टाटा ने मार्को पोलो से हाथ मिला लिया। इसका आज मुख्यालय भारत में कर्नाटक में है और 91% की हिस्सेदारी टाटा के पास है। हालांकि भारत में इसको सफलता तब मिली जब राज्य सरकार द्वारा एक साथ 300 बसों का ऑर्डर आया जिसकी पर बस कॉस्ट थी 1 करोड़ रुपए और आज मार्को पोलो भारत की सबसे बड़ी बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। नंबर 1, हिस्पानोसा। हिस्पानो यूरोप का सबसे बड़ी बस निर्माता कंपनी थी जो कि मर्सिडीज बेंज तथा हिस्पानो के नाम से यूरोप में भी सबसे बड़ी बस निर्माता कंपनी थी जिसकी शुरुआत 1939 में स्पेन में की गई थी, पर बस के पार्ट्स बार बार कमजोर पड़ने की वजह से कंपनी को कई बार इकोनॉमिक समस्या का सामना करना पड़ा था। हिस्पानो कंपनी विश्व की कई बड़ी बड़ी कंपनियों के पास गई, आखिरकार टाटा ने हाथ मिलाया और 2005 में 21% हिस्सेदारी के साथ हिस्पानो से डील कर ली और सन 2009 में बचे हुए 79% के हिस्सेदारी को भी खरीद लिया और 2009 के बाद गोवा में ACGL प्लांट में हिस्पानो बस की बॉडी बनाई जाती है और विश्व भर में निर्यात होती है, जिसे हम टाटा डिवो के नाम से भी जानते हैं जो पहले हिस्पानो डिवो के नाम से जानी जाती थी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो और रतन टाटा के बारे में क्या सोचना है हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।